हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सूजी की जवी बनाने जा रहे हैं। सूजी की जवी मैगी का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। मैगी में जहाँ हाई सोडियम होता है वो पूरे मैदे की बनी होती है। टेस्टी बहुत होती है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, और मैगी हम बहुत ज़्यादा रोज़ाना ही लोग खा लेते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है सूजी की जवी। सूजी की जवी, ये जवी मैंने बाज़ार से ख़रीदी है और ये रोस्टेड सूजी है। मतलब इसे आपको भूनने में बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, इसमें सोडियम बिल्कुल भी नहीं है और यह जिंक, आयरन, फोलिक एसिड में बहुत हाई है। मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेती। मतलब मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आप इसे बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हमें प्याज चाहिए, बहुत ही रफली चॉप्ड किया है मैंने, आप भी ऐसे ही काट सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए टमाटर। टमाटर को मैंने चॉप्ड करके फिर उसे मिक्सी में दर दरा पीस लिया है। इसके अलावा हमारे पास पनीर के कुछ स्लाइसेस हैं जो कि इसे बहुत ही टेस्टी बना देते हैं। थोड़ी सी मैंने बीन्स काट ली है क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, आप लोग इससे स्किप भी कर सकते हो चाहे तो, बट डालोगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा कैप्सिकम है जो कि हर फास्ट फूड की जान होती है और इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। हरी मिर्च, लाल मिर्च का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, हेल्दी होती है और टेस्टी भी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक पैन ले लेंगे और इस पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर इसे गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें ऑयल डालना है। ऑयल आप 2 बड़ी चम्मच डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने प्याज टमाटर डाल रहे हैं। अगर आप, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसमें मतलब वेजिटेबल पसंद करते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं तो आपको तेल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से ये 2 चम्मच तेल इसके लिए ठीक है। इसे गर्म होने देंगे, चेक कर लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। मैं इसे कम से कम मसालों में बनाने वाली हूँ ताकि ये हेल्दी भी रहे और स्वादिष्ट भी। इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च पहले ही डाल देंगे ताकि ये इसमें भुन जाए। भुनी हुई लाल मिर्च का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। इसे चलाते रहना है हमें बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा। टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर मैंने हल्के से इसलिए पीस लिए ताकि वो आसानी से गल जाए। आप सिंपल भी डालेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आई है। इसमें मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिया है। ये जब आप सारी सब्जियां इसमें ऐड करें, कुछ भी जो भी आपके पास है, इस समय आप थोड़ा हाई फ्लेम रखें क्योंकि आपको जल्दी बनाना होता है बेसिकली आपको डिश, तो आप हाई फ्लेम रखेंगे तो सब्जियां बहुत जल्दी भुन जाती हैं। क्योंकि ये क्विक रेसिपी है तो इसमें आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते। थोड़े से आपने पनीर के स्लाइसेस डाल दिए हैं, जितना ज़्यादा आप उसे हेल्दी बना पाए उतना अच्छा है। तो आपके पास जो जो अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, और नहीं भी अवेलेबल है तो आप स्किप कर सकते हैं। बेसिकली प्याज टमाटर से भी बना सकते हैं। हरी मिर्च, अगर आप लाल मिर्च बहुत डालते हैं तो आप लाल मिर्च कम करके उसे हरी मिर्च से बैलेंस कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसमें अब हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, बहुत ही चौथाई चम्मच हमने हल्दी ली है। हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, तो बहुत ज़्यादा डालने से इसका टेस्ट ख़राब कर सकती है, लेकिन थोड़ी तो हमेशा ही डालनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाला है, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। नमक मैंने इसमें अभी लगभग 1/4 ही डाला है, लेकिन बाद में मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करूँगी। अभी मैंने इसे इसलिए डाला है ताकि ये जो सब्जियाँ हैं वो गल जाएँ जल्दी से,
और ये थोड़ा सा ही गर्म मसाला डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले डालने से क्या होता है, आपकी जो भी डिश होती है उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो आपको पूरे तरीके से नहीं मिल पाते, और मसाले बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छे होते। थोड़े थोड़े मसाले ही खाने चाहिए अगर आप इसे डेली खाना चाहते हैं, तब की बात है। पानी देखिए, मैंने जितना आप जितनी क्वांटिटी आपकी जवे की होगी उससे दुगना आपको पानी लेना है। तो मैंने इस एक कप हमें सूजी की जवे यूज़ कर रही थी, तो मैंने इसका दुगना कप पानी डाला है। देखिए इतना मैंने कप ये सूजी की जवे लिए थी, तो मैंने इसका दोगुना पानी डाला था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब हमें बेसिकली इसका पानी को ड्राई करना है। इसे चलाते रहेंगे, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसे हमें पूरा ड्राई करने तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है। अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ये फाइनल स्टेज में इसका पानी ड्राई होने लगे तब हमें इसे लगातार चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जल सकता है नीचे से। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। अभी मैंने ये लगभग हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। थोड़ा सा नमक जो कि मैंने पहले नहीं डाला था मैं अब ऐड कर रही हूँ, उतना ही नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा नमक पसंद होता है, मुझे थोड़ा कम नमक अच्छा लगता है। देख सकते हैं धीरे धीरे इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है काफ़ी, लेकिन हमें इसे लगभग पूरा ही ड्राई करना है। पानी इसका लगभग ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा समय हमें इसे और देना है। देख सकते हैं दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका पानी लगभग ड्राई हो चुका है, और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ ये मैगी और चाउमीन का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हमारी सूजी की जवे तैयार है, और ये बहुत हेल्दी भी हैं, और आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत कम टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।